नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह 7 बजे आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास मिलती है, तो दोस्तों इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों। तो अब हम कुछ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं कुछ अलग टाइप के, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। तो इसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। पारी और स्टेडियम के दिए गए जोड़े के लिए यह ज्ञात कीजिए कि किस टीम ने उस पारी में सभी टीमों में उस स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाए। तो दोस्तों ये स्टेडियम दिया हुआ है ग्रीन पार्क सेकंड। तो दोस्तों ये हमारे टीम का कोड दिया हुआ है और नाम है, कोड का नाम है दोस्तों, टीम का कोड दिया हुआ है। ये दोस्तों स्टेडियम है चेपक, ग्रीन पार्क स्टेडियम, फरोशा दोस्तों स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम। दोस्तों ये हमारे स्टेडियम दिए हुए हैं और इनमें दोस्तों चेपक का 1-2, ग्रीन पार्क का 1-2, फरोशा का दोस्तों 1-2, एकलव्य का 1-2, नेहरू का 1-2। दोस्तों इस तरीके से, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है एक दो से दोस्तों, इसमें पहले से इंडिकेट किया गया है। देखिए कौन से वाले में हमको देखना है, ग्रीन पार्क के दूसरे वाले में, यानी दोस्तों इस वाले में। तो इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा किस टीम ने रन बनाए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोर देखते हैं कौन सा, इसमें 168, फिर दोस्तों 166, तो अब तक हमारा 168 ही हाईएस्ट है, 165, 170, अब दोस्तों हमारा कौन सा हो गया 170, फिर देखते हैं 170 हो गया, 169, ये उससे छोटा है दोस्तों, 171 दोस्तों ये उससे भी बड़ा आ गया, अब 171 हमारा बड़ा, फिर 167 दोस्तों उससे छोटा है, फिर 174 ये उससे भी बड़ा आ गया दोस्तों, तो यानी कि 174, तो यानी लास्ट वाला दोस्तों हमारा हो जाएगा। तो लास्ट में दोस्तों कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स डैश और स्मॉल सी और स्मॉल जे। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन दिया हुआ है ये, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ हमारे ऑप्शन पहले वाली में दी हुई हैं, तो एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पारी और स्टेडियम के दिए गए जोड़े के लिए यह ज्ञात कीजिए कि किस टीम ने उस पारी में सभी टीमों में उस स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाए। तो दोस्तों स्टेडियम हमारा कौन सा दिया हुआ है, एकलव्य फर्स्ट, कौन सा दोस्तों, एकलव्य फर्स्ट दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दोस्तों दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें देखते हैं हम तुम्हारा हाइएस्ट कौन सा, 167, 170, तो दोस्तों 167 और 170 में से कौन सा हाइएस्ट हो गया हमारा, 170, फिर देखते हैं 170 दोस्तों अभी तक हमारा क्या है, हाईएस्ट है, तो अब 165, 162, 163, 174, तो दोस्तों हमारा हाईएस्ट कौन सा हो गया, 174, तो दोस्तों यही वाला हमारा बिल्कुल हाईएस्ट है। तो इसके सामने दोस्तों कौन सी टीम दी हुई है, स्मॉल वाई स्मॉल एक्स कैपिटल सी कैपिटल जे, दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, देखें जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन तीसरा वाला दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी टीमों ने उस स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाए। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है, बस स्टेडियम हमारा अलग है, क्या है, नेहरू फर्स्ट, तो नेहरू फर्स्ट को दोस्तों देखते हैं किस टीम ने हमारे सर्वाधिक रन बनाए, तो कितना 166, फिर दोस्तों कितना आ गया 165, तो ये तो इससे छोटा है, फिर 171, दोस्तों 171 हमारा हाइएस्ट हो जाएगा अभी तक, फिर दोस्तों इससे आगे आएंगे तो 178 हो जाएगा, इससे बड़ा दोस्तों 178 हो गया, फिर इससे बड़ा देखें दोस्तों कोई है, 168 छोटा है, 170 छोटा है, 173 दोस्तों ये भी छोटा है और 169 ये भी छोटा है, तो दोस्तों हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा, यानी कि बड़ा स्कोर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 178, यानी कौन से नंबर पर है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन से नंबर पर है दोस्तों, चार नंबर पर, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और दोस्तों सी जे स्मॉल में दोनों चीज़, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन दूसरे वाले में, कौन से हैं दोस्तों, ऑप्शन दूसरे वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोस्तों क्या इसमें भी वही पूछ रहा है, सर्व स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाए, तो दोस्तों स्टेडियम हमारा ये दिया हुआ है चेपक सेकेंड, तो देखते हैं कहाँ स्टेडियम ये रहा, तो दोस्तों इसमें देखते हैं हाईएस्ट कितना, 170 दिया हुआ है, फिर इसके बाद 179 कितना है दोस्तों, 179 हुआ है,
अब देखते हैं 163 छोटा है, 167 ये भी छोटा है, 173 ये भी छोटा है, 165, 172, 168। दोस्तों अब हमको सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा मिला दोस्तों, 179। तो कौन से नंबर पर पहला, दूसरा, कौन से नंबर पर है दोस्तों, दूसरे पर। तो दूसरे पर कौन सा स्टेडियम और टीम है दोस्तों, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डैश सी कैपिटल और जी कैपिटल। तो दोस्तों कौन से में दिया हुआ है ये, दोस्तों ये हमको ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पारी और स्टेडियम के दिए गए जोड़े के लिए ये ज्ञात कीजिए कि किस टीम ने उस पारी में सभी टीमों में उस स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाए। दोस्तों ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन स्टेडियम अलग है, फिरोसा सेकंड दिया हुआ है दोस्तों, तो फिरोसा सेकंड ये वाला है। तो दोस्तों चेक करते हैं 169 फिर 172, तो दोस्तों इससे बड़ा क्या होगा हमारा, 172 फिर 173। अब दोस्तों कौन सा होगा, 173। फिर चलते हैं 168 छोटा है, 171 ये भी छोटा है दोस्तों, 164 ये भी छोटा है, 170 ये भी छोटा है, 176। तो दोस्तों ये हमारा बड़ा हो जाएगा 176। तो यानी कौन सा दोस्तों हो जाएगा हमारा, लास्ट वाला। तो इसमें लास्ट क्या है दोस्तों, तो वाई स्मॉल एक्स स्मॉल डैश सी स्मॉल जे स्मॉल। तो दोस्तों कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ, कौन सा, ऑप्शन तीसरा वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोस्तों अगर इसको पढ़ना है तो देखें, ये हमारे यहाँ पर ये निर्देश दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये दिया हुआ है, नीचे दिए गए हर एक प्रश्न में बाईं ओर पहले कॉलम में नाम और पतों का एक युग्म दिया गया है, और फिर उसके बाद तीन और ऐसे ही युग्म दिए गए हैं जो कि कॉलम 1, 2 और 3 में क्रमांकों से दिखाए गए हैं। आपको ये ज्ञात करना है कि तीनों में से कौन सा युग्म पहले वाले प्रश्न कॉलम में दिए गए नाम नाम पते के युग्म जैसा ही है, जो युग्म उस संख्या उस जो युग्म उस जैसा हो उसके क्रमांक को ही उत्तर के रूप में। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन पर आते हैं हम, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो हमको दिया हुआ है सेम ये ही हमको इन ऑप्शन में देखना है, बस ये चीज़ है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि इन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करें, अगर उसमें नंबर दिया हुआ है दोस्तों, संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले आप संख्या को देखें कितना, 2839, 2839। तो दोस्तों मैच करते हैं इसमें 2893, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल, 2839 इसमें सही है दोस्तों, 283 तो दोस्तों ये भी कैंसिल, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अब दोस्तों ये तो हमारा चलो सही हो गया, लेकिन इसमें ऑप्शन जो चौथा वाला दिया हुआ है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तो हमको ये फिर पूरा चेक करना पड़ेगा क्या सही है। तो दोस्तों अब ये वाला नंबर अब तो पूरा ही चेक कर लें आप, रोहित कुमार डोगीरीवा 249 249 कॉमा लगा हुआ है दोस्तों, रंजीत अपार्टमेंट नोएडा, रंजीत अपार्टमेंट नोएडा डी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है दूसरा वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, रहमान भाई भोई पो गे बैग N1234 टैली 239467। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि पहले नंबर चेक करेंगे, तो नंबर कर लेते हैं 239467, 239467 बिल्कुल सही है दोस्तों, 239467 बिल्कुल सही है, 239467। तो दोस्तों ये नंबर तो सभी में ठीक है, टेली दोस्तों सभी में ठीक लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये देखते हैं ये वाला नंबर N1234, एन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एन नहीं है, क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये चीज़ तो हमारी ठीक है, वैक वैक एकदम सही है दोस्तों, फिर वो ये भी सही है। अब दोस्तों हमको क्या देखना है, तो अब रहमान को देखते हैं, रहमान बिल्कुल सही है, रहमान दोस्तों इसमें भी सही है। दोस्तों अब हमारा देखें हम क्या, तो भाई दोस्तों भाई इसमें भी ठीक है, और भाई हमारा इसमें भी ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर वही दोस्तों वही यहाँ पर भी ठीक है। दोस्तों अब हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये जो नंबर है और ये अलग अलग हैं दोस्तों, देखिए
1, 2, 4, 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या 1, 2, 3, दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। अब इसको आप चेक कर लें, तो रहमान बोई पो बैग एन 1, 2, 3, 4, दोस्तों ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमको ये चेक करना है। तो दोस्तों पहले नंबर चेक कर लेते हैं, 1, 4, 2, 1, 5, 0, 1, 4, तो दोस्तों इसमें 0 तो है नहीं, ये कैंसिल। 1, 4, 2, 1, 5, 0 बिल्कुल सही है दोस्तों, 1, 4, 2, 1, 5, 0 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये वाला चेक करते हैं नंबर, 2, 4, 5, 9, 2 बिल्कुल सही है, स्लैश लगा हुआ है, 91 दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं, 2, 4, 5, 9, 2 स्लैश 92 है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना 94, तो ये वाला हमारा कैंसिल। अब दोस्तों ये तो हमारे कैंसिल हो गई, चलो ठीक है ये चीज़, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल। अब दोस्तों दूसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। शिवम बिल्कुल सही है, अनवर एकदम सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों अब चेक करते हैं, 2, 4, 5, 9, 2/91 औरंगाबाद दोस्तों ठीक लिखा हुआ है, औरंगाबाद बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एस एन श्रीनिवासन जी 193/2 संपदा तिरुची 729/628। तो दोस्तों पहले नंबर चेक कर लेते हैं, छोटा वाला नंबर देखते हैं, 193/2, 193/2, 193/2, 193/2 एकदम ठीक है दोस्तों। अब बड़ा वाला नंबर चेक करते हैं, 729/729/682, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या 82, लेकिन वहाँ पर क्या है 28, तो ये हमारा कैंसिल। इसको देखते हैं, 729/6 तो दोस्तों इसमें है ही नहीं है, मिसिंग है, तो ये भी गलत। तो हमारा दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, लगभग दोस्तों सी हो जाएगा। लगभग क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें डी वी तो दिया हुआ है, इनमें से कोई ना, अगर इसमें भी कोई मिस्टेक हुई तो फिर दोस्तों डी हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम इसको, एस एन दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। श्रीनिवासन की स्पेलिंग देखते हैं दोस्तों, श्रीनिवासन बिल्कुल सही है, जी स्लैश 193/2, संपदा तिरुची एकदम ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये वही लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, आमिनी अमृतराज सुंदरम हॉस्पिटल तूतीकोरन 628008। दोस्तों अब नंबर को चेक करते हैं, 628008, 628008, तो दोस्तों इसमें 00 दिया हुआ है, यहाँ पर सिंगल है, तो ये हमारा कैंसिल, 628008 बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम देखें तो यामिनी को दोस्तों चेक कर लेते हैं, कौन सा यामिनी वाला, ये तो हमारा गलत हो गया दोस्तों। अब यामिनी बिल्कुल सही है, और दोस्तों अमृतराज एकदम ठीक है, सुंदरम बिल्कुल सही है दोस्तों, हॉस्पिटल एकदम सही है, तूतीकोरण एकदम ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर आते हैं, यामिनी बिल्कुल सही है, अमृतराज बिल्कुल सही है दोस्तों, सुंदरम सही है, हॉस्पिटल सही है, तूतीकोरण दोस्तों ये भी ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा दोनों ही एकदम सेम है, तो दोस्तों आप दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पहला दोस्तों आप लगा कर आएँ, अगर ऐसा आपको मिल जाए जो पहले ऑप्शन में आ रहा हो वो। तो दोस्तों यह हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें दोस्तों। 7 बजे सुबह डेली आपको ये क्लास मिलती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किया है तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।